वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग वेट स्टडी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी। और लास्ट वीडियो हमने बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पेपर डिस्कस करूंगा और उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मैं सिलेबस वाइज आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है इसके अंदर हमारे यूनिट 1, 2 एंड 3 आते हैं। तो यूनिट 1, 2 एंड 3 इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, हमारे थ्रोम्बोसिस जिसमें पूछा गया है, इसकी पैथोजेनेसिस क्लासिफिकेशन और पॉसिबल आउटकम। इसके अलावा पूछा गया है हीलिंग, वूंड हीलिंग। वूंड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन वूंड हीलिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा यूनिट 1 से। इसके अलावा न्यूप्लेशिया को डिफाइन करने के लिए पूछा और उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर पूछे और इलैबोरेट करने के लिए पूछा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। इसके अलावा अनीमिया, अनीमिया से अगर क्वेश्चन आता है तो रीजनरेटिव अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ निमोनिया, देखिए निमोनिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस निमोनिया एंड इन्फ्लेमेशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ निमोनिया जिसके अंदर स्टेज ऑफ कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन, ये सब आता है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट, यूरेमिया, इट्स कॉजेस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि पोस्टमार्टम चेंजेस, ये पोस्टमार्टम चेंजेस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेजिंग ऑफ कैंसर, हाइड्रोसिफेलस, मस्टाइटिस, एंटेरोलिथियसिस एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। तो ये सारे मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 आता है जिसके अंदर हमारा 4, 5 एंड 6 यूनिट आती है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, रेबीज पूछा गया है, रेबीज इन डॉग, जिसके अंदर की एटियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल साइन, पैथोजेनेसिस एंड लीजन, ये सारी चीजें बताई गई है। तो फर्स्ट डिजीज आपकी कौन सी आई, रेबीज आ गई। उसके अलावा पूछा गया है डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। इसके अलावा पूछा गया है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस की पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द टीबी। इसके अलावा पूछा गया है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन पोल्ट्री और एवियन माइकोप्लाज्मोसिस। फिर नेक्स्ट वी हैव द इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज ऑफ पोल्ट्री और उसकी पैथोजेनेसिस, इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज की। तो इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आईबीटी को। फिर आता है एनलिस्ट वेरियस डिसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल हमारे एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो एटलीस्ट आपको डिसीजेस के नेम तो पता होने चाहिए और एक डिसीज जो कि आपको डिटेल में पता होनी चाहिए वो है क्वेश्चनोर फॉरेस्ट डिसीज या फिर KFD। ये इंपॉर्टेंट डिसीज है वाइल्ड के हिसाब से, तो इस डिसीज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनलिस्ट डिफरेंट बैक्टीरियल वायरल फंगल डिसीज ऑफ रैबिट, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और रैबिट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज क्या है, फास्टुलोसिस, ठीक है। तो फास्टुलोसिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हमारे कुछ क्वेश्चन है म्यूराइन रेस्पिरेटरी माइकोप्लाज्मोसिस लीजन, क्लासिकल स्वाइन फीवर, लंपी स्किन डिसीज। देखिए लंपी स्किन डिसीज भी इसके अंदर आ गई है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का ही पेपर है और मतलब इसी लास्ट ईयर का ही, लिम्फोइड ल्यूकोसिस, ट्रिपिंग फीवर एंड ब्लैक लेग। तो अब हम डिस्कशन करते हैं सिलेबस वाइज, ठीक है। तो मैं सिलेबस वाइज जब डिस्कशन करूंगा तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी यूनिट आती है जनरल वेटनरी पैथोलॉजी। तो देखिए जनरल वेटनरी पैथोलॉजी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जब भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डजंट मीन कि वो पेपर में आ नहीं सकता है, ठीक है। आने के लिए पेपर में कुछ भी आ सकता है, बस जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ पूरे ईयर मैंने क्या देखा, किस पेपर का ट्रेंड था, वो सिर्फ मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस एम्बोलाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मतलब टॉपिक है और बाकी भी टॉपिक्स हमारे किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ग्लाइकोजन ओवरलोड एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अमाइलोइडोसिस एक शॉर्ट उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। फैटी चेंजेस भी इतना ज्यादा नहीं है, मतलब यही ये जो टॉपिक है ये आप शॉर्ट उसमें पढ़ेंगे तो मतलब ज्यादा पूछे जा सकते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, नेक्रोसिस इंपॉर्टेंट है, एपोप्टोसिस इतना नहीं है। डिफरेंसेस बिटवीन पोस्टमार्टम ऑटोलिसिस एंड नेक्रोसिस, गैंग्रीन, गैंग्रीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा मेजर एक्सोजेनस एंडोजेनस पिगमेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटास्टेटिक एंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटोसेंसिटाइजेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, वो प्लांट्स पढ़ लीजिएगा जो फोटोसेंसिटाइजेशन करते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं एप्लेशिया,
हाइपोप्लेशिया एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, ये आपको एक एक मार्क्स में टर्म्स पता होना चाहिए। ये ऐसे भी आ सकता है कि भाई फिलअप में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, ठीक है, तो ये आपके 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से, जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग वाले क्वेश्चन कौन से हैं, वो है इन्फ्लेमेशन। 110% ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कार्डिनल साइन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा वूंड हीलिंग, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी पेपर के अंदर पूछा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन या फर्स्ट टू सेकेंड, तो ये वूंड हीलिंग आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी तक मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, ये दो टॉपिक मैंने लॉन्ग के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। और इसके अलावा शॉर्ट के लिए गैंग्रीन पढ़ लीजिएगा आप, नेक्रोसिस पढ़ लीजिएगा और थ्रोम्बोसिस पढ़ लीजिएगा। तो ये टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट से पढ़ने हैं, आपकी यूनिट फर्स्ट हो गई कंप्लीट। इसके अलावा आपकी आती है यूनिट टू। यूनिट टू है हमारी सिस्टमिक वेटनरी पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम सिस्टम वाइज चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर आपको डिटेल में पढ़ने हैं पोर्शन, वो है आपका डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एंड हीमोपोएटिक से आपका अनीमिया पूछा जा सकता है, जो अभी मैंने बताया रिजेनरेटिव एनीमिया को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, और इससे यूरेमिया आप देख सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर पूछी जाती है वो है नर्वस, नर्वस से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट मेजरली जो बाकी मैंने आपको बताए हैं उनसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर से भी कम ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हमारा आता है एनिमल ऑन्कोलॉजी एंड वेटनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड नेक्रोप्सी, ये यूनिट थर्ड है आपकी। तो एनिमल ऑन्कोलॉजी से वही हमारा नियोप्लेशिया की डेफिनेशन पूछ लेंगे, डिफरेंस पूछ लेंगे बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में, और कार्सिनोजेनेसिस आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा स्टेजिंग पूछी जा सकती है और ग्रेडिंग ऑफ नियोप्लेज्म, जो कि आपकी आर एस चौहान के अंदर दे रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है, तो उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आता है वेटनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो वेटनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर एज सच कोई बहुत लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा बनते हुए, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव आपके इससे बन सकते हैं। तो इसमें हमारा आता है हिमाटोलॉजी, हिमाटोलॉजी के अंदर आप डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये पढ़ना है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन इससे कभी नहीं बनता है। फिर आता है आपका नेक्रोप्सी, तो नेक्रोप्सी में आपको क्या पोस्टमार्टम चेंजेस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी। इसके अलावा कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड डिस्पैच ऑफ स्पेसिमेन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको आर एस चौहान के अंदर मिल जाएगा, ये लास्ट में दे रखा है, तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ये हो सकता है ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाए, ठीक है, मतलब अगर टीचर का मन करे तो वो दे सकते हैं। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है वेट्रोलीगल नेक्रोप्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेट्रोलीगल नेक्रोप्सी ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आती है आपकी यूनिट फोर, जिसके अंदर है पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल डिजीजेस की, तो वायरल डिजीज के अंदर आपकी पैथोजेनेसिस काफी इंपॉर्टेंट है हर केस के अंदर। तो इसके अंदर हमारी डिसीज कौन कौन सी आती है, इसमें है हमारी FMD, रिंडरपेस्ट, मैलिग्नेंट कटरल फीवर। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट डिसीज हैं, जैसे कि FMD एक इम्पोर्टेंट डिसीज है, रिंडरपेस्ट एक इम्पोर्टेंट डिसीज है, मैलिग्नेंट कटरल फीवर इतना ज्यादा नहीं है, ब्लू टंग इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, बोवाइन वायरल डायरिया, BVD के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर PPR एक इम्पोर्टेंट डिसीज है, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, वैसे इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया के बारे में मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा बाकी डिसीज के कंपैरिजन में, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन वायरल आर्टराइटिस, इक्वाइन राइनो न्यूमोनाइटिस, क्लासिकल स्वाइन फीवर एक इम्पोर्टेंट डिसीज है, ठीक है, और इसमें जो पैथोग्नोमिक लीजन है वो देख लीजिएगा। देखिए पैथोग्नोमिक लीजन किसी भी डिसीज के हो वो पूछे जाते हैं, ठीक है, पैथोग्नोमिक लीजन की एक लिस्ट बना लीजिएगा, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा था स्वाइन इन्फ्लुएंजा, रेबीज पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैनाइन डिस्टेंपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आपको कैसी इंक्लूजन बॉडीज मिलेगी वो याद कर लीजिएगा, इंक्लूजन बॉडी इन केस ऑफ कैनाइन डिस्टेंपर रेबीज, ठीक है, तो ये दोनों देख लीजिएगा। इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैनाइन पार्वो वायरस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कैनाइन के केस में देखिए पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर और रेबीज, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वायरल में, और इक्वाइन के केस में इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया और वायरल आर्टराइटिस, ठीक है, और FMD तो है ही, रिंडरपेस्ट है इन कैटल, ठीक है। फिर आता है आपका पॉक्स डिसीजेस, देखिए ये मेडे विस्ना भी एक बार पूछा गया है, ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये डिसीज, बट ठीक है वही मैंने कहा पूछने के लिए पूछा जा सकता है, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको हर डिसीज के बारे में पता होना चाहिए।
और वैसे भी आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हर डिसीज के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पैथोलॉजी ऑफ प्रायोन डिसीज। प्रायोन डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसके अंदर सिर्फ हमारी जो मेन डिसीज है वो कौन सी है, ये है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज, तो ये मेन डिसीज है, तो ये तो कई बार पूछी जाती है ये डिसीज, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस प्रायोन डिसीज को, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं आपकी एपिडेमोलॉजी के अंदर भी पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आता है पैथोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल डिसीज, और बैक्टीरियल डिसीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसीज है वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, ठीक है। फिर इसके अलावा जॉन्स डिसीज, पैराट्यूबरक्लोसिस भी से हम बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस के बीच में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और मतलब ये लॉन्ग में आई डोंट थिंक ये लॉन्ग में पूछी जाएंगी, शॉर्ट के मतलब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट ये दोनों डिसीज लॉन्ग में आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एंथ्रेक्स लॉन्ग में आ सकती है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है, ठीक है। इसके अलावा क्लोस्ट्रिडल ग्रुप जो है ये मेनली हमारा फिलअप और ट्रू फॉल्स इन सब में बनते हैं इनसे क्वेश्चन, बट बनने के लिए ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक डिसीज, ये शॉर्ट वाले हैं सारी डिसीज, ब्रैक्सी, बॉटुलिज्म, टेटनस, स्ट्रेप्टोकोकोसिस और स्ट्रैंगल, ये क्वेश्चन माइक्रो के अंदर पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेना, स्टेफालोकोकोसिस। इसके अलावा ग्लैंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ग्लैंडर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ग्लैंडर और स्ट्रैंगल्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीज हैं हॉर्स की, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बस्टरोलोसिस, पास्टरोलोसिस मतलब एक तो हमने देखा था कि रैबिट के अंदर इंपॉर्टेंट है और एक ये बोवाइंस के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज है, लिस्टेरिया भी आप देख लीजिएगा, लॉन्ग के हिसाब से नहीं बट एटलीस्ट 4 नंबर के हिसाब से तो देख ही लीजिएगा। स्वाइन रेसेप्लास, स्वाइन जैसे स्वाइन रेसेप्लास है, इसके अंदर हमारा डायमंड लीजन आते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज है, कब ये अबॉर्शन करती है, किस ट्राइमेस्टर में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कोरिनी बैक्टीरियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साल्मोनेलोसिस एक शॉर्ट उसमें देख लीजिएगा, कोलीबैसिलोसिस शॉर्ट में देख लीजिएगा। पैथोलॉजी ऑफ माइकोप्लाज्म माई इन्फेक्शन में हमारा ये शॉर्ट में पूछी जा सकती है, 4 नंबर में पूछी जा सकती है, ये दोनों डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया एंड कॉन्टेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। फिर आता है पैथोलॉजी ऑफ क्लैमाइडल ग्रुप, इसके अंदर हमारा क्यू फेवर, एनाप्लाज्मोसिस और अर्लीचियोसिस आता है, तो देखिए एनाप्लाज्मा और अर्लीचिया ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है हमारा पैथोलॉजी ऑफ फंजाई इन्फेक्शन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो है आपका रिंग वॉर्म से, एस्परजिलोसिस से भी देख लीजिएगा, ब्रूडर निमोनिया, ठीक है, और ये बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फंगल टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एर्गोटॉक्सिन्स भी देख लीजिएगा, ये 1-1 मार्क के लिए बता रहा हूँ मैं ये सब, लॉन्ग के लिए जब भी कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ठीक है। पैरासिटिक में आई डोंट थिंक कि लॉन्ग में कुछ भी पूछा जाएगा पैथोलॉजी के अंदर, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी आपका एक अलग से एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। हमारे पेपर में तो इनफैक्ट नहीं पूछा गया था, हमारे जूनियर्स के पेपर में मैंने नहीं देखा है मतलब कभी क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ पूछा गया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नंबर में कोई चीज आ सकती है, वो भी जो मेन मेन डिसीजे हैं जैसे कि फैशोला पूछ सकते हैं, बबेशिया पूछ सकते हैं, थेलेरिया पूछ सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा पूछ सकते हैं, बस ये मेन मेन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इंबैलेंस से भी कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी मेटाबॉलिक डिसीज, मेटाबॉलिक डिसीज से भी बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इसमें आपको 2-4 चीजें पता होनी चाहिए, प्रेगनेंसी टॉक्सी में आपको पता होना चाहिए, एजिटूरिया पता होना चाहिए और पीका पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिसिटीज, टॉक्सिसिटीज से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से। जो टॉक्सिसिटीज क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी के साथ आएगी आपकी 3rd ईयर के अंदर, तो ये सब्जेक्ट जैसे अब इसके अंदर टॉक्सिसिटी टॉक्सिकोलॉजी भी मिला दी है पैथोलॉजी के अंदर, और पैरासाइटोलॉजी भी मिला दी है, और फिर 3rd ईयर के अंदर आपको ये फिर से पढ़ाई जा रही है चीजें, ठीक है, तो ये मेनली वहां पर पूछी जाती है, यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। इसके अलावा हमारी लास्ट यूनिट आती है जो कि है एवियन पैथोलॉजी, जिसके अंदर एवियन इन्फ्लेमेशन पूछेंगे, कुछ मतलब चीजें अलग होती हैं, तो वो यहाँ पर आपको डिफाइन करनी होंगी एवियन इन्फ्लेमेशन के अंदर। फिर आता है वायरल डिसीज, वायरल डिसीज के अंदर जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है वायरल बर्ड की या पोल्ट्री की, वो क्या है, रानीखेत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज, ये डिसीज तो कई बार पूछी जाती है, बहुत ये दो डिसीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें। फिर ये ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, सबकी इटियोलॉजी तो याद कर ही लीजिएगा एटलीस्ट, ठीक है। फिर है इन्फेक्शियस लेरेंजियो ट्रैकाइटिस, फाउल पॉक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा भी एक इंपॉर्टेंट है, मैरिक डिसीज, तो रानीखेत, इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, मैरिक डिसीज। इसके अलावा ल्यूकोसार्कोमा ग्रुप ऑफ डिसीज, ल्यूकोसिस पूछी जाती है, ठीक है,
तो ल्यूकोसिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस, एवियन इंसेफेलोमाइलिटिस, माइलाइटिस, इंक्लूजन बॉडी, ये भी नहीं पूछा था इतना ज्यादा। चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, एवियन नेफ्राइटिस, एग ड्रॉप सिंड्रोम देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने क्या क्या बताया इसके अंदर, एग ड्रॉप सिंड्रोम देख लीजिएगा और एक इन्फेक्शियस एनीमिया, ये एंड इन्फेक्शियस एनीमिया, तो ये चार डिसीज तो आप लॉन्ग के लिए कर ही लीजिएगा, ठीक है। ये चार लॉन्ग के लिए कर लीजिएगा वायरल में। फिर इसके अलावा आता है बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज के अंदर आपका आता है जो इम्पोर्टेंट है वो कोलीबैसिलोसिस, इन्फेक्शियस कोराइजिया, ठीक है, और साल्मोनेला भी एक इम्पोर्टेंट, और फॉल कोलेरा, ये चार पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसमें। और इसमें ट्यूबरकुलोसिस में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर कैल्सिफिकेशन नहीं होता, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके अलावा आपका एस्परजिलोसिस ब्रूडर्स निमोनिया करता है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें इतना नहीं पूछा जाता है हेलमेंट प्रोटोजोआ से। कोक्सीडिया वैसे पोल्ट्री के केस में देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, है ना, कोक्सीडियोसिस। इसके अलावा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं पूछा जाता है, ये कुछ भी बहुत ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, थोड़ा बहुत केज लेयर फटीग ये देख लीजिएगा, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत शॉर्ट के लिए पूछे जाते हैं। फॉल्स लेयर क्या होता है, एग बाउंड कंडीशन क्या होती है, बम्बल फुट क्या होता है, तो ये शॉर्ट के लिए आप ये क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आती है आपकी यूनिट 6। देखिए पैथोलॉजी के अंदर सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि मतलब पेपर हर चीज से नहीं बनाया जा सकता। फिर आता है यूनिट 6, पैथोलॉजी ऑफ डिसीज ऑफ लेबोरेटरी एंड वाइल्ड एनिमल। इसमें लेबोरेटरी और वाइल्ड एनिमल है, तो देखिए इनसे बहुत ज्यादा, इस यूनिट से बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको पढ़ना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है वो है टाइजर्स डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा टाइजर के अलावा हमारी इसके अंदर जो आती है वो रैबिट के अंदर, तो पास्टोरलोसिस मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, तो पास्टोरलोसिस पढ़ लेना। वैसे इन डिसीज के ना आपको नाम याद होने चाहिए कि भी रैबिट्स की डिसीज कौन कौन सी है। पास्टोरलोसिस है, ब्लू ब्रेस्ट है, तो ये डिसीज के नाम आपको याद होने चाहिए। डिसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल आपको याद होना चाहिए, वेस्ट नाइल फीवर है, रेबीज है। तो इसमें जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन ऑफ फॉरेस्ट डिसीज ही मेनली पूछी जाती है, बाकी डिसीज तो आप याद रख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पैथोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक मी प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आएंगी जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं।